والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على آباء سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أمهات سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أعمام سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وعشيرته وأحبابه وأحبائه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خير خلق الله حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب القدر زینت محفل سیدی سندی آقا نعمت محترم المقام پیر طریقت ڈاکٹر تجمل حسین صاحب بکھڑے والی شریف اور محبان اہل بیت نبوت تنظیم العزیز گوجرانوالہ کے اراکین مہمانان خصوصی حضرات نعت خوانان عظام ذبیل احتشام علماء کرام احباب طریقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام خوبصورت ماحول کے اندر آج مجھے حاضری کا موقع ملا اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج کا پروگرام ذرا روایت سے ہٹ کر ہے سبحان اللہ تو میں چاہوں گا کہ ہم بھی آج آپ کے ہم نوا ہو کر روایت سے ہٹ جائیں سبحان اللہ یہ درد والوں کا مجمع ہے نسبت والوں کا یہ ماحول ہے اس کے تقدس کو قرآن بیان کرتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ حبیب تیرے حسن لطافت کی حرمت کی قسم فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا جب سے تم من میں سمائے ہو ہماری آنکھوں کا قبلہ بن گئے ہو فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ہم خود چھپ گئے خود کی ذات کو چھپائے علماء کی نظر ایک جملہ کر رہا ہوں یہ جو لفظ الَّذِي ہے یہ دو جملوں کے درمیان آتا ہے الَّذِي سے پہلے جو جملہ ہے
वो इबहाम होता है, किसी को कोई अंदाजा नहीं कौन है। और अल्लाजी के बाद का जो जुमला है वो पिछले इबहाम को दूर कर देता है कि ये है। ये है कहा अल्लाजी, कोई है भाई, कौन है, किसी को क्या पता कौन है अल्लाजी। ये छुपी हुई हकीकत थी, ये छुपा हुआ कोई पैगाम था, हकीकत थी, हुस्न के कोई ऐसे मामलात थे जो छुपे हुए थे। कोई नहीं, ना किसी आँख की सकत, ना शऊर का कोई प्रवास, कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। एक पहचान के लिए फरमाया अल्लाजी, मैं वो हूँ भाई, तू कौन है। खुदाई का दावा करते भी खुदा है जो सही, तू खुदा कहते मैं खुदा हूँ। उलूहियत का दावा कर भाई, तू इला है तो इला हो। अल्लाजी कोई हूँ भाई, क्या हो। यरा का ही न तकून, मैं वो हूँ जो हुस्ने मोहम्मद को तकने वाला हूँ। जो तुझे तकता रहता, मैं वो हूँ कौन है, पर्दे में है, मैं वो हूँ भाई, तू कौन है। यराक जो तेरी ज़ियारत में रहता है यार, ये कब से है महबूबे हकीकी, ये कब से शुरू है शुगल। फरमाया हीन तकूम, वक्त के तसव्वुर से भी पहले है। लफ्ज़े हीन जो है ये ज़र्फ़े ज़मां मुबहम के लिए है, यानी जमाने का वो वक्त जिसकी अकाइयों का किसी को अंदाजा ना हो पाए, इसको कहते हैं हीन। सुबह के वक्त को सुबह कहते हैं, हरी सबाह कहते हैं, शाम के वक्त को मसा कहते हैं, और जोहर के वक्त को जहीरा कहते हैं। ये हर एक वक्त का तायुन है, जब वक्त करवटें बदलता है तो नाम बदल जाते हैं, लेकिन ये वो वक्त है कि नाम इसमें छुप जाते हैं, बदलते नहीं हैं। वे कब है, कब से क्या हो, अल्लाह जी कोई हूँ जिसकी हकीकत का किसी को अंदाजा नहीं। अगर कोई हमारी हकीकत जानना चाहता है, हमारी मारिफत चाहता है, तो हमें इस हवाले से देखे, जो तेरे हुसन को तक रहा है मैं वो। ये सूरह बनी इसराइल के अंदर भी आया वो कलमा, सुबहान पाक है कोई, अल्लाजी कोई पाक है, क्या पाक है, जिस चीज में पाकी देखो वो पाक है। फरमान नहीं, मैं वो पाक हूं जिस जैसा पाक कोई नहीं, तो मेरी निगाहें दूर से हजारों पाकियां मुयसर आते हैं, मैं वो हूं। वे है कौन, असरा बेअब्दी, जिसने महबूब को सैर कराई है। ये जुमले बड़े सादा हैं कुरान के, लेकिन बड़ी राज की बात है, बड़ी राज की बात है। इन शेरों में इनका आयात का तर्जमा साहिब दर्द ने किया है, बेहद ने अजब हद, बेहद ने अजब काम किया के हद कर दी, बेहद ने अजब काम किया के हद कर दी। मेरी गुंजाइश तनकीद सभी रद्द कर दी, बे खुद तो पर्दे में रहा, खुद को दिखाने के लिए तस्वीर मोहम्मद कर दी। अल्लाह जी यारा, मैं वो हूँ जो तपता रहता हूँ। ऐ अल्लाह, जब तेरी बात में कोई शक नहीं, कहा फिर मैं बेशक बात करता हूँ, क्या करता है। फइन्नका बिआयुनिना, सूरह तू हबीब तेरी चाहतों की कसम, जब से निगाहें लड़ी हैं तेरे हुसन की रानाई से, बस आंखों में बस गए हो और कुछ देखता ही नहीं हो। ये क्या मामला है, कोई हुसन तो है कि खाले के फितरत भी उसी तरफ जौके नजर से देख रहा है। इस हुसन की रानाई का कोई जायजा अंदाजा कर सकता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, यकीनन अल्लाह उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, दरूद अरबी का लफ्ज़ नहीं है, सलात अरबी का लफ्ज़ है और दरूद फारसी का लफ्ज़ है। फ़ारस
अरबी से फारसी की तो दरूद आ गया, फारसी से अब उर्दू करो तो मारूफ तरीके से दरूद ही बोलते हैं, लेकिन इसका माना है रहमत। सलात का माना दरूद, दरूद का माना रहमत, रहमत का क्या माना है? रहमत का माना क्या? इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा बोले, ये लफ्जों में आने वाली बात ही नहीं है। हजूर फिर ये हम इससे क्या मुराद लें, अपने जौके घर में गुप्पी और इसकी अहवाल में क्या महसूस करें? कहा दरूद का मतलब कोई नहीं जानता, ये सिर्फ साहिब दरूद जानता है या दरूद भेजने वाला जानता है। कहा कोई मंजर तो बताएं। कहा ये लिखत पढ़त से मुतल्लिक ही नहीं है। कहा फिर मुतल्लिक किसे? कहा कल्ब और रूह की गर्मी से मुतल्लिक है। जिस जिस मन की जिस जिस के कल्ब और रूह में जितनी गर्मी इश्क हो, जितनी निस्बत की पुख्तगी होगी, उस पुख्तगी की तकद्दुस में अल्लाह उस रूह पर, उस कल्ब पर सलात का माना इल्का करता है। ये लफ्जों में नहीं, ये लफ्जों में आने वाली बात है नहीं। तो जिसके लिए लफ्ज खामोश, माने चकरा गए हैं, तायुनात का तस्वुर ही खत्म हो गया है, बताओ मैं उसको कहां से शुरू करूं? आप मुझे कहते हैं खिताब करो, क्या आपने मेरी दुनिया ही बदल डाली है आपके झोंकने में, कहां से शुरू करूं और कहां तक ले जाऊं? कहा जिस जिस मन में आप ये थोड़ा सा मैं इसको वसी करता हूं, थोड़ा सा आयत उतरी है, अल्लाह मलाइका तो यसल्लून अला नबी, अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते, ईमान वालों तुम भी भेजो, क्योंकि आप सब अहले निस्बत है ना, मैं चाहता हूँ कि निस्बत का तकद्दुस सामने आ जाए, माज ख्याल में ये निस्बत ना रहे, ये निस्बत एक नूर है, कायनात की हर हकीकत को फना है, निस्बत को फना नहीं है। बंदे मर जाते हैं, किरदार नहीं मरने देते, बंदे मर जाते हैं, चले जाते हैं। अल्लाह और फरिश्ते दरूद भेजते, ईमान वालों तुम भी दरूद भेजो। असहाबे रसूल ने कहा जहां बनाए आलम अल्लमना सलात, सलात क्या है हमें जरा तालीम कर दीजिए, तो हुजूर खामोश हो गए। हजूर इस बात पर खामोश हो गए कि मैं इनको क्या बताऊं कि सलात क्या है। हजूर फरमाते अल्लाह ने वही फरमाई कि मेरे महबूब ये लफ्ज और माने से बड़ा हकीकत है, इनको नहीं पता, बेशक इनमें बड़े मुज्तहिद से आप बैठे हैं, मुफस्सिर से आबा बैठे हैं, दाना दानिश बैठे हैं और बड़े बड़े मुदब्बर बैठे हैं, मगर ये मर्तबा सलात का इहाता नहीं कर सकते, इन्हें क्या पता। इनसे कहो कूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इनसे कहो कि खुदा की बारगाह में कहें ऐ अल्लाह तू तो अपनी शान से दरूद भेजता ही है मोहम्मद पर, ऐ अल्लाह हम तेरी बारगाह में दरख्वास्त करते हैं अपनी जनाब से, अपने हिस्से का भी भेज और हमारे हिस्से का भी तू ही भेज, तू जानता है मर्तबा दरूद क्या है और हकीकत दरूद क्या है, हम कैसे भेज सकते हैं, हम तो पकते हैं, हम तो अपना आप नहीं जानते, इस बेमिसाल महबूब के हुस्न की रानाई का इहाता कैसे कर पाए, इसलिए मेरे अल्लाह तू ही भेज। कूनो अल्लाह, और फरिश्ते भी खुदा से ही कहते हैं, खुद से नहीं, खुद से कायनात में किसी शख्स के अंदर खा वो मलकूती है नासूती है जबरूती है, कायनात का कोई फर्क ऐसा नहीं है जो खुद से दरूद का इहाता करके कहकर मैं दरूद भेज, किसी की हिम्मत नहीं है, सिर्फ इस हकीकत को कोई समझता है जानता है, किसी का इल्म मुहीत है तो वो सिर्फ खुदा है और कोई नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, ये हकीकत ही है जिसे सिर्फ खुदा जानता है, जिसका कोई शरीक नहीं है। इसलिए फरमाया महबूब इन मस्तों से कहो कि ये खुदा से कहें अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद, और बड़ा जुमला हजूर यहां रुक जाते तो माना और मर्तबा पूरा था, लेकिन रुके क्यों नहीं कि दरूद मुकम्मल नहीं हुआ। मैं ये हाथ जोड़कर ये प्यार का तोहफा पेश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे निस्बत वालों से डर भी लगता है, क्योंकि इनके हस्बे जोक अगर बात ना हो तो इधर ये नाराज होते हैं उधर वो नाराज हो जाता है,
निस्बत का भरम इतना है। कहा कि परवरदिगार आलम तू भेज। अब यहां सल्लून अलन युसल्लून अलन नबी के टाइटल पर जुमला मुकम्मल था, रसूल खामोश हो जाते हैं दुरूद भेजो नबी पर, लेकिन जानते हैं नबी के मशीयत इलाही का इस वक्त मिजाज क्या है। कहा दुरूद मुकम्मल पढ़ो। आका मुकम्मल कैसे होगा? कहा यूं कहा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद आल। हट जाए तो दरूद दरूद नहीं रहता। और ये यहां एक सत्य की बात भी अर्ज करता जाऊं, मुफ्ती तो नहीं हूं लेकिन वो मुफ्ती मेरे से मेरे मुझसे पढ़ने आते हैं, मुफ्ती नहीं है। रसूल पाक ने फरमाया मन सल्ला सलातन काबिलतन वलम युसल्ली अलैया व अला अहले बैती लम तुक्बलु सला लम तुक्बलु सला लम तुक्बलु सला। फरमान रिसालत फरमाया जिसने बड़ी शानदार कमाल की नमाज पढ़ी आदाब बंदगी को बजा लाकर, लेकिन जब नमाज मेराज पर पहुंचाने लगी बंदे को, तो वो बंदा मुझ पर तो दरूद पढ़ता है मेरी आल पर नहीं पढ़ता। लम तुक्बलु सला, वो नमाज भी मरदूद है, नमाजी भी मरदूद है। इतनी बड़ी अहम इबादत है, इतनी बड़ी अहम इबादत है, उस अहम इबादत का तकद्दुस क्या है, शराफत क्या है, और कबूलियत का सर्टिफिकेट क्या है। हम तो पढ़ी नमाज इबादत है, तस्बीह की नमाज इबादत है, ताजीम की सारे आदाब आदाब बजा लाया है। दरे जहरा पर दिल नहीं दिया तो नमाज नमाज नहीं है, वो तस्बीह तस्बीह नहीं है, वो इबादत इबादत नहीं है, वो ईमान ईमान नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, रिसालत का फतवा है, ये कसूरवार रसूल है, मैं नहीं, मैं तो एक नाकिल हूं। मौलवी साहबान अगर फतवा लगाना चाहते हो तो रिसालत पर लगाएं। वैसे भी आजकल के मौलवियों ने रिसालत पर अदम एतमाद किया हुआ है, बहुत सारी बातों में खाते भी रसूल का और आले रसूल की कदमों की खैरात है और अदम एतमाद भी रसूल पर ही है। अच्छा, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, ये पाप लोगों की महफिल है, इन जज्बों को हजारों में सलाम करता हूँ। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, पर यहां भी मुकम्मल हो जाता था माना, हजूर रुके नहीं, कहा कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम, बस फैसला हो गया। ये हर नमाजी की नमाज का वाजिब है, ठीक ना। फरमाया यूं कहा करो ऐ अल्लाह, कोई नया दरूद नहीं, वो दरूद भेज जो मोहम्मद की मां पर भेजा करता था, बाबा पर भेजा करता था, आले इब्राहिम पर भेजा करता था। कमा सल्लैता, ये माजी मुतलक का सीगा है। फरमाया वक्त के तायुनात पीछे हैं और आबाए मोहम्मद पर दरूद पहले से है। कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद भी मारूफ नाम से दरूद इब्राहिमी कहा जाता है। अच्छा, अब आइए हम दरूद के मंजरनामे में चले थे। इस पर इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हर एक शख्स जो जितना मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में गर्क होता है, अल्लाह उसके सीने पर अपने हुसन का इल्का करके माना दरूद उसको बताते हैं। ये बात जहन में रहे, किसी लुगतदान की लुगत का तस्वुर यहां नहीं है, कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं है जिसके कंटेस्ट में ये बात कही जाए कि फला ने ये कहा। कहा नहीं, नहीं। इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अबुल आलिया, उनसे पूछा कि आपने भी गोता लगाया? कहा हाँ लगाया, दरगाह इश्क में। कहा क्या गौहरे मुराद मिला? कहा ऐ अज़्ज़म शानहू, मैंने ये देखा कि अल्लाह मुहम्मद और आले मुहम्मद को सामने बिठाकर उनकी उनके सामने अजमतें बयान कर रहा है। यहाँ मुझे 1000 से ज़ायद अखबार और मजाहिब इसके याद हैं,
टाइम नहीं इतना कि मैं वो हर एक को बताऊं। आइए हम जिस इमाम की तकलीद में नमाजें पढ़ते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, हम भी है सारे, चले इमाम साहब से पूछा गया कि आपने भी ये सफर किया? कहा जी किया। कहा मैंने लोगों की मनस्बत ज़रा ज्यादा गोता लगा दिया। अच्छा आप कहाँ पहुंचे? कहा मैं उस मकाम पर पहुंचा कि अबू हनीफा खुद खुद में नहीं रहा, तो आवाज़ें हुजूर अज़मत इलाही से आवाज़ आई कि अबू हनीफा इतने आगे चले गए हो कि खुद खुद में नहीं रहे, खुद को मिटा दिया है मोहम्मद और आले मोहम्मद के इश्क में। कहा हाँ अल्लाह, मेरे पास तो यही सरमाया है। तो फिर मैं हम इल्का करते हैं आपको माना है। तो इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा से पूछा गया कि आपने क्या माना पाया? क्या जी मुझे? उसने कहा अबू हनीफा आंखों से मंजर देख। मैंने वो मंजर आंखों से देखा कि खुदा क्या करता है दरूद किस तसव्वुर में। और मैंने देखा वहुवल एतनाओ पेशान है नबी, अल्लाह अपनी सारी निगाहों को जात मोहम्मद और आले मोहम्मद के हुसन पर लगाए हुए बैठा है। एतना कहते हैं मुतवज्जे हो, अपनी सारी उलूही तवज्जुहात का किबला या जात मोहम्मद को बनाया और आले मोहम्मद को बनाया है। अच्छा जब यहां बात पहुंची, बड़ी खूबसूरत बात, एतना इमाम साहब पूछते हैं कि मेरे मन में ख्याल आया कि ऐ अल्लाह नज़्म कायनात का ताना बाना, इतनी बड़ी तरी कायनात है, इतने बड़े जहान हैं, तू तो हर तरफ से कटकर सारी कायनात के सारे तसव्वुरात और मामलात से अलग होकर एतना कर रहा है, मुतवज्जे है उसने मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, तो ऐ अल्लाह कायनात कौन चलाता है? फरमाया अबू हनीफा न बात सुनने का वक्त है न करने का वक्त है, मुझे फुर्सत ही नहीं कि मैं इस बात का जवाब दूं। कुरान पढ़, उसमें लिखा है फल मुदब्बिरात अमरा, नज़्म कायनात का ताना बाना मुदब्बिरात अमर चलाते हैं, मैं सिर्फ अपनी निगाहों में महबूब को बसाता हूं और आले मोहम्मद को बसाता हूं। और है कायनात के किस मंजर की रानाई को और हसीन हुरमतों को सजाऊं, कोई मेरे मोहम्मद जैसा हो तो मैं उधर देखूं। जब है ही कोई नहीं तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं कहीं और देखूं? फल मुदब्बिरात अमरा, मुदब्बिरात अमर जो है आलम शहादत के, उनके जिम्मे लगा दिया है, तुम ये काम करो, मुदब्बिरात समावात को कहा तुम वो काम करो, बस मैं और मेरे बाकी सारे फरिश्ते मुतवज्जे हैं। तवज्जो किसको? आप इन्नी वज्जा तो कहते हो नमाज के नियत, इन्नी वज्जा तो वज ही अल्लज़ी फतर समावात, मेरी तवज्जुहात का किबला वो जात है जिसने जमीन व आसमानों को खल्क किया, ऐसा है ना। वो कहता है कि तुम मेरी तरफ मुतवज्जे हो और मैं यार की तरफ मुतवज्जे हूं, मेरे हुस्न में खोने वालों, हाँ हाँ ये भी वही है पर मेरा मिजाज तो देखो, तुम्हारी नजरें मेरी तरफ, मेरी निगाहें यार की तरफ। सल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जिस जिस मन में ईमान है वो पाबंद है जो मैं करता हूं वही वो करे, युसल्लू ना, मुतवज्जे हो जाओ, मुतवज्जे हो जाओ। अच्छा सिर्फ ये इमाम अबू हनीफा का नुक्ता नजर बयान कर रहा हूं। इमाम अबू आलिया ने कहा ऐ अज़्ज़म शान, शाने अजमते बयान करता है, अजमते और शाने बयान करता है, बड़ा अजीब मंजरनामा है, बड़ा अजीब मंजरनामा है और कुरान पाक का है, ये किसी मुफस्सिर की तफसीर नहीं, मुफक्किर का नुक्ता नजर नहीं, कुरान की नसूस है। फरमाया मुतवज्जे और मुतवज्जे होकर यानी टिकटकी लगा कर तकता है, इधर उधर ख्याल भी नहीं करता, तो ऐ अल्लाह खामोश रहते हो? उसने यार को तक कर तेरे जज्बात में कोई तूफान नहीं आता?
हम कुछ खुशनुमा मंजर देखते हैं तो फर्त जज्बात में फैसला करते हैं ना कि ये है, ये है, ये है, तो ज़ौक़े नज़र तो उसका भी है। जब वो हुस्ने रिसालत का तमाशा करता होगा तो उस वक्त उसके भी वो जज्बात हैं। ऐ अल्लाह जज्बात क्या हैं? फरमाया वरल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला। मैं हर लम्हे महबूब की हुरमतों को बयान करता हूँ, हर आने वाला लम्हा हर आने वाला लम्हा पहले लम्हे से कहीं बुलंदो बाला है। महबूब की शानों को बुलंद करता रहता हूँ, अजमतें बयान करता रहता हूँ, तपता रहता हूँ। जब हुस्न की रानाई का जो रुख थे, अब कुरान पाक कहा फरमाया मैं अपनी जात का मामला में हर दिन में एक नई शान का इजहार करता हूँ अपने मंजर रहमत में। ऐ अल्लाह फिर फरमाया एक अगली बात भी है, अल्लाह क्या है? फरमाया वमा तकूनु फी शान वमा तत्लु मिनहु मिन कुरआन वमा तअमलून मिन अमल इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा। मेरे हबीब, मैं अपनी जात का एक तसव्वुर, एक वस्फ, एक हुरमत और एक शान का इजहार करता हूँ, लेकिन तेरी हर लम्हे नई शान बयान करता हूँ। सियाणा बन, तू बंदे के साथ ये कर रहा है तो अल्लाह कहता है हाँ अब्द दीगर अब्द हूँ चीजें दीगर। इसको बंदा कहता है, इकबाल से पूछ, अब्द दीगर अब्द हूँ चीजें दीगर ई सरापा इंतजार ऊ सरापा मुंतजर। अब्द और है और अब्द ही और है। कायनात के सारे अब्द मेरा इंतजार करते हैं, मोहम्मद वो अब्द है जिसका मैं इंतजार करता हूं। अब्द की बात करता है, मुझे मशवरे देता है, उठ अपने मशवरे पास रख, मैं किसी का मशवरा नहीं लेता, बस मेरा एक ही काम है, एक ही शौक है। और कुरान करीम का असलूब बड़ा है, सुभान अल्लाह। ये इन अल्लाह से लफ्ज इन्ना से शुरू हुआ है, अहले इल्म तशरीफ फरमाए इन्ना। ये जुमला इस्मिया जो नाम से शुरू होता है ये उसकी अलामत है, और इसका हर जुमले का एक हुसन है, इसके सारे हुसन हैं। युसल्लून ये फेल की अलामत है, फेल यानी काम से मुकाम शुरू हो। इन्ना ये जो जुमला इस्मिया है इसम से शुरू हुआ, और इसम का जो तबीई खासा है वो तसलसल और इस्तेमरार को चाहता है, यानी किसी काम का मुसलसल करना, लम्हा के लिए भी ना रुकना। फरमाया हम महबूब को तकते हैं, एक लम्हा भी नहीं रुकते। किसी ने सोचा कि यार इतनी बड़ी जात हो, अरसा अजल से तक रही हो, अरसे अबद तक ये शुगल जारी रहेगा, कुछ देर के लिए रुक जाया करो, रुक जाया करो। कहा रुकू कैसे, तुम्हें तो आरजा है थक जाते हो, तुम्हें तो आरजा है डरा वाला ऊंक जाते हो, आरजा है सो जाते हो। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, ना मुझे ऊंक आती है ना नींद आती है। हुस्न की लज्जत इतनी है, ना सोने देती है ना ऊंक देती है। आशनाई की तरफ आओ, आशनाई की तरफ, हुस्न का तुम्हें पता क्या है कि ये कौन सा हुस्न है? है कलाम इलाही में शम्स दुहा, तेरे चेहरे नूरे फदा की कसम, कसम शबे तार में राग ये था कि महबूब की जुल्फे दोता की कसम। तेरी खल्क को हक ने जमील किया, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ न होगा शाह, तेरे खालिक की हुस्ने अदा की कसम। कुरान कहता है जब अल्लाह ने मोहम्मद को बनाया तो वजद में आकर कहता है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकी। इससे आगे हुस्न का तसव्वुर ही कोई नहीं, इससे आगे हुस्न का तसव्वुर ही कोई नहीं, इम्कान नहीं। अच्छा, मुसलसल करता हूँ, ना उठता हूँ ना सोता हूँ, बला यहूदू एफ्तोमा थकता भी नहीं। मौलवी थक गए, पीर थक गए, नात खान थक गए, अवाम थक गए, आप थके बैठे ना? नहीं, नहीं बेचे भी थकावट का पैगाम है। अच्छा,
बस प्यार से सुनने में थोड़ा वक्त लूंगा, सफर करना है मैंने, मुल्तान जाना है, साहिबाल जाना है, तो बला जाऊं तो वेफ दूंगा। वो थकता भी नहीं, घूमता भी नहीं है, करता क्या है मुसलसल, उसने यार में सरशार रहता है और फिर कहता है युसल्लून। ये फेल या जुमले की अलामत है, और फेल का जो खासा है कभी खासा वो तजद्दुद और तहद्दुस, यानी की हुई बात। मसल मैं हूं ना, हजार वक्त बजा कर तकरीर करूं तो मेरी तकरीर बार बार दोहराई, नई बात तो नहीं ना कर सकता। फरमाता है अल्लाह, फरमाता है तुमने अपने इल्म और मालूमात के मुताबिक उसने यार के जलवे को देखा और किया बयान। फरमाया मैं अपनी शान के मुताबिक, मैंने कभी, अल्लाह फरमाते हैं मैंने कभी कही हुई बात दोबारा नहीं कही। यदि जो एक शान बयान कर दी वो गुजर गई, नई शान। मेरा महबूब करवट बदलता है, मैं वो भी तकता हूं। और हाय हाय हाय, हम कहां से यार मस्त लोगों, मैं क्या बताऊं आपको, आपके प्यार की मस्ती मुझे कुछ कहने के लिए मजबूर कर रही है। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे महबूब जिस वक्त आपकी जुल्फे आगे आकर आप उसको बनाते हो ना, तो चेहरे रहमत पर जुल्फों की जिस वक्त छांव पड़ती है तो मेरी रहमत वजद में आकर कहती है वल्लैल इज़ा यग्शा, सुभान अल्लाह, वल्लैल इज़ा यग्शा। मेरे हबीब फिर आप यूं बाल हटाकर ये बड़ा बड़ा प्यार का जुमला मैं कह रहा हूँ, ये मेरा नहीं कुरान का है, यूं बाल हटाते हो, यूं थोड़ा सा हटाया जाए ना बाल, तो बाल हटाने में थोड़ा सा खम आता है, यूं लगता है इतना हिस्सा हाथ का होता है। जुल्फ अंबरीन को जब हुजूर यहाँ से हटाते तो अल्लाह फर्द जज्बात में कहते वल कमर इज़्ज़त तसा। आपने कभी पहली रात का चांद देखा है? बड़ा बारीक होता है और खमदार होता है, ये इस्तियारा है उस तसव्वुर का, खमदार होता है। कहा जिस तरह पहली रात का चांद खुशनुमा होता है मगर वो गौर करने से नजर आता है, वल कमर इज़्ज़त, पहली रात के चांद को कमर कहते हैं। फरमाया हबीब जिस वक्त तेरे चेहरे अनवर से जुल्फ हटी, तेरे चेहरे अनवर से जब जुल्फ हटी तो जुल्फ में थोड़ा सा खम आया, इस तरह पहली रात के चांद की कब्र के कमर में खम आता है वो हुस्न और खुशनुमाई में, लेकिन बड़ी तवज्जो से देखना पड़ता है वरना आंख इधर उधर हो जाए तो नजर से ओझल हो जाता है। हबीब जब तूने ये, जब तेरी कैफियत ये हुई यूं उठी तो मैंने कुदरत की बारीक निगाहों से देखा कि अब ये कमर तुलू हो रहा है। हबीब इस चांद के हुसन की रानाई की हुरमत की कसम है, जिस वक्त वो अपने मतला से तुलू कर रहा था वल कमर इज़्ज़त तसब, कसम है उस चांद की जिस वक्त वो अपने मतला से तुलू कर रहा था। करीमा का ने ये जुल्फे सवारी चेहरे से बाल हटाए तो फिर इशाद हुआ बद्दुहा। करीम आका ने सरत वसद, ये हुस्न की बात है ना जी, फर्त जज्बात है, ये ख्यालात नहीं, ये खुदा से पूछो ऐसा क्यों करता रहा है। हम पर तो फतवा लगा ही देते हो कि हम मस्त अरस कोई बात कर जाए, कोई नात खां बोल जाए तो उसके गले में जनाब आप रस्सी डाल लेते हो, तो भाई ये खुदा की ये पहला काम खुदा ने किया है, पहला फतवा उस पर लगाओ। हजूर ने जुल्फे सवारी यूं सुरमा डाला, सुरमा सुना था ना डाला, तो मेरे रब ने कहा मा जागल बसरे व मा तला, तेरी आंखों में जो लाल डोरे हैं तेरे प्यार की कसम दिल मोह ले गए हैं। कहा क्या हुस्न की तारीफ करके ना,
अपने महबूब के हुस्न की तारीफ करके कहा, वला सौफा युती का रब्बू का फतरदा, सोनिया जब तू बस करेगा उदो असी बस करांगे। तो हुजूर ने भी कहना भी हुन रहमत ठाठ विच मौज विच प्यार इश्क जो है मौज के अंदर है, तो सजदे में गिर गए। कहा ये बात है, अगर ये बात है तो फिर ऐ अल्लाह मेरे मस्तों पर रहमत की कलम फेर दे। जब तक तेरा जिब्राइल आकर मुझे ये नहीं कहता कि ये काम हो गया है, मोहम्मद सर नहीं उठाता। तो आवाज जिब्राइल आए, कदम ने रहमत के बोसे दिए, कहा मेरे महबूब से कह दो कि सनुर्दी का फी उम्मते का वला नसो का। सही बुखारी। महबूब तेरे प्यार की कसम, मैं तेरी कसम उठा कर कहता हूं तुझे इतना राजी करूंगा जब तक तू राजी नहीं होगा अता करता जाऊंगा तेरी। तो ये प्यार के जज्बे, ये एहसास ख्यालात और मजहब नहीं, फितरत की वो मेराज है कि खुदा भी तबस्सुम को ना। सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था इस हुस्न बे मिसाल की रानाई को तक कर अल्लाह तसलसल के साथ और हर लम्हे नई शान। एक जुमला बोलूं इजाजत हो, अब खुदा कब से है, कब के तसव्वुर से भी पहले है, कब तक है अजल के तसव्वुर के भी बाद तक है ना ऐसा। वो जब से अल्लाह है तब से ये काम कर रहा है, वो जब तक अल्लाह है जब तक ये काम करता रहेगा। अगर हुस्ने मुस्तफा की कोई इहाते की सूरत होती, कहीं लकीर और हाथ बनना होता तो कहीं तो खुदा रुक जाता। सुभान अल्लाह। के बस भाई सुनिया तेरे को मेरे को इन्ने लफ्ज़ तन तेरी शान ही नहीं है सन नहीं। तो जब खुदा का खुदाए जलाल ने अपनी उलूही इल्मों के बावजूद भी बस नहीं की और कोई लीका नहीं खेचा जो मौलवियों ने मजहब का खेचा है, तो फिर मौलवियों को किसने हक दिया है कि खुदा के मुकाबले में आकर लकीरें मारो। कौन होते आप जाओ, तुम्हारे मजहब की बसात की कोई हैसियत नहीं। तुम हुजरे में बैठकर तीन तराशते हो और खुदा अर्शे बरी में बैठकर उसने मोहम्मद के जलवों की रानाई को बयान किया। कैसे बनता है वो कहते हैं, बड़ी मुख्तसर करता हूं कि दो पहाड़ों का संगम मिले, हजार साल तक सूरज एतना करे मुतवज्जे रहे उस संगम पर खास नजर से। हजार साल जब मुकम्मल होता है तो फिर उस पड़े हुए हीरे उस लाले याकूत के अंदर जो पत्थर होने की कसाफत थी वो खत्म हो जाती है, लताफत पैदा हो जाती है, वो रोशनी देता है अंधेरियों में, वो रोशनी देता है, उजाला देता है। क्यों? कि उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन की जो इंजिजाब की या यूं समझिए कि जज्ब करने की जो सलाहियत थी वो उस सूरज की आंख की रोशनी को जज्ब करता रहता है, अपनी लताफत कसाफत को खत्म करता है, लताफत जो है उसकी जाहिर हो जाती है। जब वो मुकम्मल होता है तो पत्थरों का सीना चीर कर बाहर आ जाता है पहाड़ों का। ये लाले यकूत की जनाब गलत भाई बात समझ आ गई। हजार साल तक इस चांद इस आसमान पर चमकने वाला सूरज अगर दो पहाड़ों के संगम पर नजर रखे मुतवज्जे हो एतना करे तो पत्थर की कसाफत खत्म हो जाती है, लताफत पैदा होकर वो पत्थर से लाले याकूत बन जाता है, लाले यमन बन जाता है ना। ये हजार साल का टाइम पीरियड है भाई, पत्थर पर सूरज नजर करे तो वो लाल बन जाए। तो खुदाए जुल जलाल मोहम्मद और आले मोहम्मद पर नजर टिकाए हुए हैं कब से, जब वक्त का तसव्वुर भी नहीं था, कब तक जब वक्त भी किसी तायुन में नहीं रहेगा। तो बताओ वजूद मोहम्मद और आले मोहम्मद के वजूद में लताफत कितनी हो जाएगी और कमाल कितना हो जाएगा। जिंदाबाद ये भी मखलूक है ना सूरज,
सूरज देखे। आप यत्रिकत वाले लोग बैठे हैं भाई, क्या कहते हो कि फैज की निगाह हो गई? क्या होता है निगाह? वो जस्ब, वो मस्ती, वो सच्चाई, वो शौक, वो मन की रोशनी जिस पर शेख का दिल आए कि ये साहेब लियाकत है, ये साहेब। भाई मैं शेर की सूरत में सुनाता हूँ आपको। जो अहले जर्फ होते हैं वो झुका करते हैं, सुराही सर नकू होकर भरा करती है पैमाना, देते हैं साहब की कदा दादा खार देखकर। जो अदब वाला होता है वो ही ले जाता है ना मकाम, बेअदब को कुछ मिलता है? तो भाई सुराही सर नकू होगी तो पैमाना भरेगा ना। तो अब ये तय हुआ कि अगर पत्थर अपने अंदर इस सूरज के इनेकास को जज्ब करता है, अदब में रहता है, बोलता नहीं है, धूप बर्दाश्त करता है, सख्ती बर्दाश्त करता है, तो जब कमाल पैदा हो जाता है तो वो पत्थर पत्थर नहीं रहता, नाम पत्थर है, कमाल लाल का है। तो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर खुदा उस वक्त से जलवा मुतवज्जे है जब वक्त भी किसी तसव्वुर में नहीं था, उस वक्त तक ये काम कर रहा है जब वक्त भी किसी तायुन में नहीं रहेगा। तो मुझे कोई मौलवी बताया कायनात का, मैं मोहम्मद और आले मोहम्मद की हुरमत और लताफत को कहां से शुरू करूं और कहां तक ले जाऊं? है ही नहीं। इस वास्ते सुल्तान आरिफ़ ने फरमाया है, मज़बान दे दरवाजे उच्चे तेरा इश्क दा मोरी हूँ, ये आलम फाजल लंघन न दे दे जो लंघदा सो चोरी हूँ, पुट पुट इट्टा वट्टे मारन दर्द मना दे खोरी हूँ, राज माही दे आशक जानन की जानन यार कलोरी। इना गालड़िया नू की पता प्यार की शायद। अच्छा मैं अब अपने उन्वान की तरफ आ रहा हूँ। ये तो एक मंजरनामा था मोहम्मद और आले मोहम्मद के शर्म और कमाल का। अगले मकामात तो अलग हैं जो उसने तायुन किए हैं, वो जानता है, हम उस तरफ गए तो खो जाएंगे। उम्रे नूह भी काफी नहीं है इस हकीकत को बयान करने के लिए। तो आगे चलता हूं। हाय हाय, हमें भी यही कहा कि तुम भी सल्लू अलन नबी, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर क्या करो, मुतवज्जे हो जाओ। ऐ अल्लाह अगर हम ये करेंगे तू क्या करेगा? फरमाया हाँ ये सौदा, अगर तुम जस्ब और मस्ती में आकर महबूब पर दरूद भेजोगे तो फिर मैं उस दरूद को, उन निगाहों को 10 से लेकर 70,000 गुना तक बढ़ाऊंगा और तुम्हें अपनी निगाहों में डांप लूंगा। ये हिसार है दरूद, इबादत नहीं है, हिसार है। किसकी हिसार है? ये अल्लाह के हुस्न की चादर की हिसार है। अल्लाह अपने हुस्न की चादर में छुपा लेता है उस शख्स को जो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ता है। जो फर्द जज्बात में 4 लफ्ज बोलता है उसकी ये शान है, जो प्यार में आगे बढ़कर अपनी जान दे देता है, माल दे देता है, औलाद दे देता है। बताओ इस वफा की कीमत क्या हो सकती है? कायनात का कोई शख्स है जो इस वफा को बयान कर पाए? आइए कुरान करीम की मैंने आयत पढ़ी, अलम तरफ फदरबल्लाहु मसलन कलिमतन। मैं एक मसला सुना दूं आपको, बुझाइश है ना। मसला ये है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद जो है ये अल्लाह की सिफत है, आदत है, जो अपनी जात में भी ला शरीक है, बात में भी, सिफात में भी, लेकिन इस आदत में मुझे और आपको शरीक कर रहा है। सुभान अल्लाह। एक मध्य मुकाबल की सूरत में नहीं कहा कि तुम भी मेरे हुजूर अजमत में कहोगे ना तो फिर मैं भी तुम्हारे फर्द जज्बात को एक नया रूप देकर महबूब की बारगाह में पेश करूंगा, आले मोहम्मद की बारगाह में पेश करूंगा। ये आया है तोहफा, ये नेमत आई है। उधर मोहम्मद तबस्सुम फरमाएंगे, उधर जहरा का आंचल हिलेगा, इधर हम तुम्हारी निजात का सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। ये बड़े नकद सौदे हैं, इस पर वादा नहीं है, नकद नकद। आले मोहम्मद, हाय हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब
हुजूर के चचा हैं, माँ की तरफ से मतरे यानी सुतीले, बाप की तरफ से सके, हुजूर की बारगाह में शिकायत करते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये जो कुरैश है ना, हमसे अच्छा रवैया नहीं रखते। जब ये आपस में मिलते हैं, इजाद अकूबाद हम बादन बेवजूह हिंदु मुबशरत, बड़े खुश उसलूब से पुरतपाक अंदाज से मिलते हैं, जब हमें मिलते हैं तो इनके वजूद में, इनके जज्बों में उतनी तड़प नहीं होती, चाहत नहीं होती। मिलते तो हैं लेकिन बेरुखा होकर मिलते हैं, बेरुखी का इजहार करते हैं। या जब आप इनसे गुजर रहे होते हैं तो ये बात नहीं, अपनी बातें काट लेते हैं, हमें अजनबी समझते हैं। अब इस बात पर फ़कत बर रसूलुल्लाह ग़दबन शदीदा, हुज़ूर को शदीद गुस्सा आ गया। जो अहले बैत नबूवत के बारे में रवैये में एहतराम नहीं रखता, रसूल को वो गज़बनाक करता है। आइए मेरे रसूल को फतवा सुनिए, खुतबा दिया, फरमाता अन्नास, लोगों को बुलाया गया, आ गए, फरमाया माँ बाल वक्बा में इजारा बिन अहले बैत, उस कौम का क्या हाल होगा जिस वक्त मेरी अहले बैत से किसी को तकते हैं, तो रवैये बदल जाते हैं, मिजाज बदल जाते हैं, तो उनसे ओपरा और अजनबियत का इजहार करते हैं, ओपरापन करते हैं। बड़ा हसास जुमला है, शाखों पर शगुफों की ताकत कौन बर्दाश्त कर रहा है, टहनियां, तो शगुफों की नरम पर्दों की लताफत को कौन बर्दाश्त, किसको बर्दाश्त कर रही हैं, हसनैन को, जो फल हैं, जो पत्ते हैं वो ऊपर हैं। अब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारी हुरमतें तने पर आकर रुक गई, किस पर आकर, तने पर सारी हुरमतें आकर रुक गई। ताकत इतनी है नबूवत की, जो तने के तौर पर हुजूर ने खुद को पेश किया है, यहाँ सारी ताकतें आकर रुक गई। बताइए ये तना किस पर ठहरा हुआ है, अपनी असल पर है। असल को अरबी में ओम भी कहते हैं, और सलाम उस ओम को, सलाम उस असल को जिस पर मोहम्मद बैठे हुए हैं, मोहम्मद ठहरे हुए हैं, मोहम्मद तरोताजा हैं। तना जड़ से कट जाए तो तना सूख जाता है, तना कट जड़ से कट जाए तो तना सूख जाता है। आज नबूवत भी तरोताजा है, दीन भी तरोताजा है, तना भी तरोताजा है, शाखे भी तरोताजा है, क्यों, असलोहा साबित, जड़ बड़ी मजबूत है। जड़ बड़ी मजबूत है जिस पर सारी, और फिर जड़ की ताकत तो हम बीज के सीने पर है। ये दो हकीकतें हैं ना, जड़ दरख्त से कट जाए तो दरख्त सूख जाता है। नबूवत कैसे ताजा है, नबी कैसे ताजा है, शाखे कैसे ताजा है, जड़ से तार तक है, तखम से तार तक है। ये जड़ और तखम कौन है, कुरान ने इनको वालदैन मोहम्मद कहा है। इतनी बड़ी मेरे नबी की माँ है, इतना बड़ा मकाम है मेरे नबी की माँ का, माँ का इतनी बड़ी ताकत वाली माँ है जिसने नबूवत को उठाया हुआ है। इतनी बड़ी माँ है जिसने नबूवत को उठाया हुआ, इतना बड़ा बाबा है जिसने नबूवत को सीने पर उठाया हुआ है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप दाने पीने लोग हैं, कि जड़ से कट जाए दरख्त तो क्या रहेगा, सूख जाएगा। भाई नबूवत भी नहीं सूखी, नबी भी नहीं सूखे, जड़ था, अब क्योंकि ताल्लुक जो है जड़ से। अब बात जो समझाने की है, ये दरख्त कलमे तैयबा की जो तफसील बयान हुई कुरान में, तो ला इलाहा इल्लल्लाह के लफ्ज़ों से अल्लाह के हुसन को हटा दो तो काली लकीरें रह जाए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह से हुजूर की ज़ात को हटा दो तो काली लकीरें रह जाए। ज़ात मोहम्मद, ज़ात मोहम्मद कलमे की हकीकत है, और लवाज़मात मोहम्मद भी उसी कलमे की ज़बरें ज़ेरे हैं। कलमा हो अली ना हो तो कलमा कलमा ही नहीं है, कलमा हो हुसैन ना हो तो कलमा कलमा नहीं है, और जहरा ना हो तो फिर तो उक्का कुछ नहीं है,
और उम्मे मोहम्मद ना हो तो फिर तो कोई शायद कोई नहीं है, अबे मोहम्मद ना हो तो फिर तो असल ही कोई। तो जो हकीकत कलमा की हकीकत में शामिल होकर फैज दे रही है, आज फैज जा रही है ना ये सारा। मैं दो लफ्जों में आपको समझाता हूँ ये क्या रखा है भाई। अच्छा ओहो सॉरी बस समझा, आप किसी साइंस की दुनिया में आप सांस ले रहे हैं। साइंस कहती है कि दरख्त जो होता है ये ऑक्सीजन देते हैं, है ना ऐसा, और कार्बन डाइऑक्साइड का खात्मा करते हैं। ये दोनों चीज़ें जिंदगी के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन ना हो तो जान नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वो जज्ब करने वाली चीज़ें ना हो तो भी जान, ये ज़रूरी है ना। हाय हाय कुरान ने बड़ा खूबसूरत फैसला दिया, फरमाया जिसकी जिस तरह जान की बका के लिए, जान की बका के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी, कार्बन डाइऑक्साइड का खात्मा ज़रूरी, ऐसे ही ईमान की बका के लिए मोहम्मद और आले मोहम्मद ज़रूरी हैं, मजबूरी है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि इनका तकद्दस मजहब का हिस्सा नहीं, मजहब बहुत छोटा है, मजहब बदलते रहते हैं, फितरत नहीं बदलती। अच्छा जब दरख्त ज़मीन से उगता है, नरम होता है, नाजुक होता है, कंपल होती है, तो फिर क्या होता है जो मैं बोल दूँ, धूप तेज़ हो तो कुमला जाता है, हवा तेज चले तो दब जाता है, ऊपर कुछ ताकतवर चीज़ आकर टकरा जाए तो टूट जाता है ना। तो फिर हम क्या करते हैं उसको उठान देने के लिए, उसके आसपास कोई जंगला बनाते हैं, कुछ छांव वाली चीज़ बनाते हैं ताकि ये धूप छांव से बचा रहे। तो दरख्त को जो प्रमोट करता है फिर वो चीज़ परवान चढ़ता है, बड़ा हो जाए दरख्त तो फिर तो खुद अपनी ताकत के साथ ही दिफा कर सकता है अपना, तब तक तो ताकत की ज़रूरत है ना भाई, बात समझ आ गई। भाई है ना ऐसा, आप पिछले कमरे बनाते हैं, मुझे बताइए कि जब मेरे करीमा का दुनिया पर तशरीफ लाया तो आपके वालदे ग्रामी पहले से ही चले गए, वालदा ग्रामी जो हैं वो 6 साल की उम्र में चली गई। अब इस शजरे नबूवत को बचाया किसने है? वो बड़े झूले तरीका एक मसला सिखा दें, तरीका एक मसला शबे मेराज के बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम, मेरी बात समझ आ गई, इस बात की मैं तफसील में नहीं जाता, वक्त नहीं है। शबे मेराज के बारे में उलमा कहते हैं कि जब हुजूर को पैगाम आया तो हुजूर अज़मत इलाही से आवाज़ आई कि जिब्रील महबूब की बारगाह है, अदब से जाना है ना। अल्लाह क्या करूँ फरमाया, चूँकि मेराज मौजज़ा है इसका हर अमल एजाज़ हो, अल्लाह क्या करूँ, मैं कुंडा नहीं खटखटाना, छत से दाखिल होना है चूँकि मौजज़ा है, अकलों को पसीना आना है, चलते चलते अल्लाह अब क्या करूँ, फरमाया महबूब सोए हुए हैं आवाज़ नहीं देनी, खिलाफ अदब है, अल्लाह फिर करूँ क्या, कहा कब्बिल कदम है। इतना बड़ा तकद्दस है जिब्रील अलैहिस्सलाम का, फरिश्तों का वो रसूल है, नूरियों का सरदार है, इतनी बड़ी कायम सब अलाक पैगम्बरों को वही का नूर पेश करने वाला है, इतनी बड़ी शराफत, कहा जो कुछ भी तुम शान रखते हो महबूब की तलियां बुलंद हैं, ये महबूब है, ये महबूब है, इसलिए कब्बिल। ये कफूरी लब कहाँ लगे, नबी की तलियों पर, और साहिब ज़ौक देखने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं, किसी की नज़र वहाँ पहुँची ना तो उसने कह दिया कि तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुँचा, मेरी मेराज कर मैं तेरे कदम तक पहुँचा, ये जिब्रील की मेराज हो रही है। हाँ हाँ जो नबी की तलियाँ चूमे वो जिब्राइल, फरिश्तों का ताजदार, और जिसने नबी के लबों के बोसे दिए हैं नबुवत के नुकसान चूमे हैं, पर एक दो बोसा नहीं दिया,
50 साल तक एक लम्हा के लिए मैं आपको अंगेज करता हूँ। आपके मजहब के तसव्वुरात क्या कहते हैं? मजहब की दुनिया ये कहती है कि जिसने रसूल को एक निकाह देखा, कितना जज्ब, शौक और यकीन की अथवा से, ये शर्त लगा लो कंडीशनल स्टेटस पे, जिसने एक निगाह से देखा वो सहाबी, कायनात की विलायतें मिल जाए तो उसकी गर्दे राह को नहीं पहुँचती। पर जिसने एक नज़र देखा वो सहाबी, जिसने 50 साल तक नज़र हटाई नहीं, क्या कहोगे सहाबी को? बोलो ना सहाबी को। इसलिए मैं कहता हूँ कि सहाबियत कद अबू तालिब से छोटी है। चलें एक छोटी सी बात और करता जाऊं भाई, जो हुजूर की सोहबत में रहा आप उसे सहाबी कहते हैं, क्या कहते हैं? सोहबत जो है, जो रसूल की सोहबत में रहे वो सहाबी, और जिसकी सोहबत में खुद रसूल रहे, क्या अच्छा चलिए मैं तरीकत की दुनिया ना नस्बत वाली हूँ। हमारे यहाँ तरीकत का एक उसलूब है कि जब कोई दस्त बैत होता है फिर वो खिदमत में उतरता है, वफा की इंतहा कर देता है। जब शेख उसमें देखता है कि इसका सीना मदीना बन गया है वफा के नूर से, तो कभी सीने से लगाया, कभी पटका बताया, कभी तस्बीह देकर उसे तरीकत का इमाम बना दिया, ऐसे बनाया था सारा कुछ। ये ऐसी ना बैत अजी खिदमत में अजमत है ना भाई, जिसने साल, दो साल, चार साल, पाँच साल, दस साल एक अल्लाह के वली की खिदमत की, उसे खिलाफत का नूर अता किया गया है ना इसे। और जिसने सैयदुल मुरसलीन की 50 साल खिदमत की है, उसे कुछ नहीं मिला, उसे कुछ नहीं मिला। चले सारे आप मुशायख हैं, जब कोई बीमार आता है किसी भी बीमारी में मुबतला, तो आप दम करते हैं, फूक मारते ना, वो फूका है यार उसमें ना खुदा है, लेकिन वो फूक उसमें जिक्र फिक्र की लज्जत और रास चाशनी होती है, अल्लाह उसकी बरकत से बीमार की बीमारी दूर कर देता है ना ऐसा है ना, ये तजर्बा है ना, फूका बना दे कोई ना है नहीं। मेरा आपसे सवाल है कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम 50 साल तक रसूल के सीने से सीना लगा कर सोए, छाकर लब से लब, कान से कान छाकर सोए। अब जब नबूवत के सांसों का तबादला होता है हजरत अबू तालिब के सांसों के साथ, अल्लाह ले आओ मौलवियों किताबें, या वली की एक फूक जो है वो ये शान रखती है, तो नबूवत के 50 सालों की नूरानी और वही से भरी हुई नूरानी फूके जो सांसों का तबादला, और फिर अगर हजरत अबू तालिब की सांसों में कोई आलूदगी होती तो क्या नबू की नबी के वजूद में जाना जान देता खुदा, जो अल्लाह अपने महबूब के मौजे पर एक जू जो है उसका कतरा खून का नहीं बर्दाश्त करता, तो क्या ख्याल है वो इतनी बड़ी पलीदी को महबूब के वजूद से लगा रखता है? बस अल्लाह की गैरत को ना चैलेंज करो मौलवियों, तबाह हो जाओगे। इसलिए फरमाया वो जब सांसों का तबादला हुआ। अच्छा जी आप हजरे अस्वद पर जाते हैं, नबी के लब लगे हैं वहां, उसमें ताकत क्या है उसके अंदर गुनाहों को नबी के लब जाए तब तो क्यामत तक के लिए उसके अंदर मैग्नेट पावर है, गुनाहें ख़त्म कर देता है। नबी के लग जाए लब पत्थर पर उसकी ये शान है, तो जो पेवस्त है वजूद नबी के अंदर है, जिसकी ज़ात में खुद नबी पेवस्त हैं। ऐसे थोड़ा सा और करते हैं, ये तरीकत वाले हो लोग, ये जो मकाम इब्राहिम है पत्थर, ये ना अल्लाह बड़ा गई और बड़ा सियाणा है, शुक्र है मौलवी नहीं है। हाँ जितना उन्हें कोई ऐसा फतवा जहरीला देना सी कि उसकी मखलूक ही बिखर जाती,
फरमाया हाजी आया पैसे भर के क्या कर, तवाफ कर ले। अच्छा, जब तवाफ कर ले तो कबूलियत तवाफ का एक राज है, ऐ अल्लाह वो क्या है? फरमाया वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, जहाँ इब्राहिम के कदम लग गया मौलवी रख से रहते हैं, रख तेरे ऐसी रीता है, रख मौलवी रखते ना सारे वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम, कुरान की आयत है ना, आज भी सारे मौलवी पीर वहां जाकर रखते हैं ना सर, बस राज को समझ जाओ। खलील के कदम पत्थर लग जाए तो सजदागाह है, और हबीब का सीना अबू तालिब से लग जाए वो लम्हात के लिए था, ये 50 साल की रफाकत है। और कुरान ने कहा ऐ जम्मा का इला अम्मे का, हमने आपको आपके आम में जम किया, आम को हुजूर में जम नहीं किया, हुजूर की जात को आम चचा में जम किया है। अब कायनात का कोई मौलवी कोई शौलवी कोई फलां को ठिपकान उठे, ये जरा जमीयत तो तोड़ के दिखा है, जमीयत तो तोड़ के दिखा है, तोड़ सकता है। इस वास्ते मोहसिन के एहसान को याद रखना चाहिए। हजूर के वालदैन भी मोहसिन हैं, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी मोहसिन हैं, समझा गई ना। जब तक उम्मत इन मोहसिनों के एहसान की ममनून एहसान रहेगी उम्मत रहेगी, जब ये छोड़ देगी उम्मत बर्बाद हो जाएगी। आज हमारी जो बर्बादी उसका बायस यही है। हैरत है, मैं कराची में खुला गया तो यूनिवर्सिटी का माहौल था, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स और साथ ये मौलवी भी आए हुए थे, खिताब करने लगा तो उन्होंने कहा जी हाँ हम नहीं करने देंगे खिताब। मैंने कहा जी क्यों? कह लगे कि अबू तालिब के ईमान पर नस कोई नहीं है, नस समझती हूँ कोई इरादे से कलाम करना। मैंने कहा जी ठीक, मैं एक नहीं एक हज़ार पेश करूँगा, और आप यूनिवर्सिटी के माहौल में आए हो, इन असातिज़ा से पूछो जब किसी बच्चे का इम्तिहान लेता है उस्ताद लेता है या शागिर्द लेता है? एफ ए बी ए एम ए वाले का इम्तिहान कौन लेता है? जो उससे ज़्यादा पढ़ा हो। तुम्हारे मदरसों में भी यही मामला है ना, सानवी आमा खासा का इम्तिहान मुफ्ती लेता है, जो खुद सर्टिफाइड हो मुस्तरद हो वो किसी की सनद को अटेस्ट कर सकता है, ऐसा ना, ये जाब्ता है कि नहीं? मैंने कहा जी बात ख़त्म, ऐसा करो मेरी जिम्मेदारी है, चूँकि मैं नौकर हूँ अबू तालिब अलैहिस्सलाम के नौकरों का, और उसके कुत्तों का भी नौकर हूँ, तो मैं 1000 नस इसी पाँव पर पेश करूँगा इसी मकाम पर। पहले ऐसा करो कि आप अपने ईमान पर नस पेश करो। वो उनके पास क्या थी, उनके पास तो फस भी नहीं थी, नस कहाँ से आ। अब वो स्टूडेंट्स जो है उन्होंने तालियां मंगानी शुरू कर दी भूटे हुई मौलाना साहबान की, वो बाजू खड़ा करके कहते हैं हाँ हम कहते हैं नस देते हैं जी, बताओ जी नस ऊंची सी का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के मोहम्मद उसके रसूल हैं, बस नस आ गई हमारी तरफ से। मैंने कहा जी ठीक, मैंने वो फतावा रज़वी आला हज़रत का निकाला, तो वहाँ कैमरे लगे हुए थे बड़े बड़े, वो क्या उसको कहते हैं स्क्रीनें, हाईलाइटर पहले लगा हुआ था, मैंने हाईलाइटर को उसके कैमरे के सामने किया, सारे कैमरों के अंदर आ गया। आला हज़रत ने जली लफ्ज़ों में लिखा था कि ज़बानी कलमा खानी का नाम ईमान नहीं है। मैंने कहा मैं तुम्हारी नस को मानता हूँ, तुम्हारे आला हज़रत नहीं मानते, जाओ पहले मौलाना अहमद रज़ा को मनवाओ फिर मुझे मनाओ। इसलिए ये मलंगों को मोहब्बत वालों को ये मौलवी ताड़ते रहते हैं, नस कोई नहीं है। अब आप अगर वो आपसे नस अबू तालिब की माने अबू तालिब मांगते हैं, आप भी कभी किसी मौलवी साहब से नस मांग लिया कर, मौलवी जी अपने ईमान की दलील दे, कायनात का कोई मौलवी नहीं दे पाएगा जब तक तहलील अबू तालिब पर ये सजदा नहीं करेंगे, वहां सर नहीं रखेंगे, इनका ईमान कोई नहीं है। ये बातें मना तो क्या पता मकाम अबू तालिब का, अबू तालिब शख्स नहीं फर्द नहीं मक्का का, कुरान कहता कि अबू तालिब अल्लाह का एतमाद है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रिसालत का एतमाद है, सुभान
अबू तालिब की खिदमत है कि विलायत की इमामत उसके बेटे को दी गई। तो मेरे दोस्तों, तोती उकलहा कुल्लहीन हर वक्त फल देता है। आज भी जितना फैज है तरीकत के अंदर किसका है? हैं? इमाम मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अली सिर्फ ऐसे नहीं कि आलम शहादत में आकर वो उम्मत मोहम्मदिया के वलियों को विलायत की सनद देता है, अली पहले नबियों की उम्मतों को भी सनद अली से मिलती थी। हाँ, अली वजूद से आने से पहले फैज़े विलायत दे रहा है, अब तो आया ही फैज देने के लिए है। ये कुरान की तफसीर है। तोती उकला कुल्लहीन, हर वक्त जो फल दे वो शजरा असल है। अली, अली और अली के चाहने वाले हर वक्त फैज देते। ये पत्ते जो हैं, अभी वो पतझड़ की मौसम आने वाली है ना, वो क्या उसको कहते हैं मौसम में पता? मैं ये आपसे मुतल्लिक बात कर रहा हूँ और आखिरी बात है, मेरे ख्याल में वक्त ज्यादा हो गया है। जब आप खजां आएगी तो पत्ते झड़ेंगे ना, जो पत्ता दरख्त से कट जाएगा किधर जाएगा? बड़ा बूढ़े रूढ़ी थे इन्हें जी, घर दरख्त नटानियाँ थे चतूत वगैरह लगे होंगे ने, जो उन्होंने मौसम खजा आदि तो वेड़े के पे बीबिया बौकर बेड़ के पास लग के तीली ला दें, इन्हों का की करना है? अल्लाह की गैरत सुनिए, पर मैं हबीब जो तेरी आल से कट जाएगा, जिस तरह उनको तीली बीबियाँ लगाती हैं मैं इनको तीली लगा दूंगा। तीली लगी है खुदा दे, इस वक्त फुदक फुदक कह रहे मैं तेरे खिलाफ ना कर दे, खुदा की गैरत से बच जाओ। अल्लाह आपको सलामती अता करे, आपके जज्बे, और मैं यकीन कीजिए, मैं आज मैंने कहा था ना कि आपने मुझे रिवायत से हटा दिया है, समझा कि तो ये फैज़ है, फैज़ है। हजरत जो अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिसका उर्स है, यकीन कीजिए, हलफ देता हूँ, मैंने एक हरफ भी नहीं सोचा था क्या बयान करना है, ठीक है ना। जो कुछ भी मिला है उस साहिब उर्स की बरकत से मिला है, या साहिब मिजाज की शफकत से मिला है। ये आपका नसीब था, आपके ज़र्फ में जो कुछ भी है उधर से आया है, मुझे तो वैसे ही नमूना बनाकर बिठा दिया गया है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी को शर्फ कबूली से सरफराज फरमाए, मैं बसता रहें। ये मौलवियों से मरूब नहीं होना, मौलवियों से काबे का इमाम भी आ जाए अली की जूती के बराबर नहीं है। अल्लाह, अली अली है, अली मस्ती में आकर करो, अली अली अली, बड़ा लजपा लिया हजूर। एक बारी ना शौक जा गए बड़ी मस्ती से, अगले लगे इधर आओ जी जना बनाया ना, जरा आप भी आओ, हसनैन तुम भी आओ, चादर में लपेटा, कहा हा उला आलो बहती, आसमान के मालिक ये मेरी अहले हैं, ये मेरी ही अहले। अच्छा, आवाज आई हबीब ये आपके साथ अब अवल जन्नत में जाएंगे। हुजूर ने ऐलान कर दिया, आना अपन नहीं मयूद खिली अल जन्नत, सबसे पहले मैं जन्नत में जाऊँगा, दाएं मैं हसनैन होंगे, पीछे ज़ारा होगी, पीछे अली होंगे, हम इकट्ठे एक ही मरतबा एक ही कमे जन्नत में जाएंगे। अली लजपाल तो है ना, हजूर का दामन पकड़ कर कहता है जहाँ पर आए आलम, आप इमामों के नबियों के इमाम, मुझे आपकी नस्बत से ज़ारा आपका जिक्र, हसनैन आपके बेटे, ये तो चले गए। फमुहिब्बूना फमुहिब्बूना, अली अली करने वाले कदो जान गए। लजपाल नबी वाह, लजपाल अली, हुज़ूर ने तबस्सुम फरमाया, हरकत ने पर तबकी देकर कहा अली मिन वराए, अगला कदम तेरा होएगा, पिछला कदम अली अली करने वाले का होएगा।
फरमाया तू हूं हंसन लगा, मैं तो चरोकड़ा हंसता पा। आका किस तरह फरमाया, मुसलिया लियल उम्मत फी बतने उम्मी, मैं उस वक्त अपनी माँ के पेट में था, माँ के मेरी उम्मत सारी मुझे दिखाई गई, मिनहुम असहाबुर रायात, कुछ ऐसे मलंग थे जिनके हाथों में झंडे थे, वो अली अली कर रहे थे, अली अली, तो मेरे हाथ मेरी माँ के पेट में उठ गए कि परवरदिगार हम अली और उसके चाहने वालों को अपना कुर्बान अदा कर रहे हैं। पहरा कर दे, मन की जागीर पे इकान का पहरा कर दे, बहरे इरफाने विला और भी गहरा कर दे, और तूने दी है ना अली बोलने वाली ये जुबान, जो अली सुन नहीं सकते उन्हें बहरा कर दे। हाय हाय अली, वो वैसे ही बहरे हैं जिन्हों अली नहीं पचदा, जिन्हों अली नहीं पचता उसका हाजमा खराब है, उसका ईमान खराब। और ये बातें ख्याल नहीं है, आपके जज्बों को खुदा सलामत रखे, आपकी आंखों में मैं कुछ देख रहा हूँ, और कुरान करीम ने जज्बों को कहा, अभी एक बात कहूँ अल्लाह फरमाओ, भाई दास समू माँ प्रभा महू, कुछ मस्त अलस्त ऐसे हैं जब तेरे हुसन की रानाई का तस्करा सुनते हैं तेरी चाहत में डूब जाते हैं। ए अल्लाह पता कैसे चले कि वो चाहतों में डूबा हुआ है, फरमाया तरा आयु न हो, उनकी आंखों को देख, उनकी आंखों को देख, ए अल्लाह उनकी आंखों में क्या है, फरमाया तेरे प्यार की, तेरी प्यार की मस्ती में डूबे हुए मोतियों से वो आंखें भरी हुई हैं, तफी तो मेरा दम है مما عرفوا من الحق جس وقت وہ تیری معرفت تیری شناسائی حاصل کرتے ہیں ان کے سینے مدینے بن جاتے ہیں اور آنکھوں سے وہ آنسوؤں کا خراج اس طرح برساتے ہیں جس طرح سامن کی برکھا برسا کرتے ہیں حبیب میری آنکھیں تجھے دیکھتی ہیں اور تیری آنکھیں عاشقوں کو دیکھا کرے ان کی بیتاب نگاہوں میں تڑپنے والے چھلکنے والے آنسوؤں کو دیکھا کرے میرے حبیب جب وہ مستی میں آتے ہیں تو میں اپنی جنت اٹھاتا ہوں ہتھیلی میں رکھ کر کہتا ہوں لے لو یار یہ پیار کی خیرات ہے تو تیرے پیار کی قسم وہ جنت کی طرف تکتے ہی نہیں ہے کہا ہم نے پیار کیا ہے سودا نہیں کیا پیار تیری سودے سے چھوٹ پڑا ہے ہم نہیں لیتے تیری جنت میں پھر کہتا ہوں یار لے لو میں دینے پر تل گیا ہوں میں دینے پر تل گیا ہوں خدا ہوں دے کر رہوں گا وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے کہنے لگے میں اب تمہارے جذبوں کو سلامی کیسے پیش کروں یار تمہارے آنسوؤں میں اتنی حرارت ہے کہ میری رحمت کو آمادہ عنایت کر رہے ہیں یار کچھ تو جو تم کہتے ہو وہی دے ہوگا چلو جنت چھوٹی ہیں آنسوؤں سے یا یہ معاملات تھوڑے ہیں تو جو تم کہو گے میں وہی دوں گا بتاؤ کیا چاہتے ہو محبوب بڑی مستی سے کہتے ہیں اچھا دینے پر تل گیا ہے تو پھر سامنے آ فاکتب نام شاہدین دینا ہے تو محمد کا جلوہ ادا کر دے ہائے ہائے میرے ایک شاگرد نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ وہ کتنی دیر تک دیکھنے کا تقاضا کرتے ہیں تو اس شاعر نے کہا اللہ نے کہا اس شاعر میں کہتا اس شاعر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں ہائے ہائے میری آنکھ ہوے تیرا مکھ ہوے میری آنکھ ہوے تیرا مکھ ہوے ویلے دی حرکت رک جاوے میری آنکھ ہوے تیرا مکھ ہوے ویلے دی حرکت رک جاوے تینوں تک دیاں محبوبا سہواں دی تسبیح مک جاوے جذبوں میں اس طرح کا طوفان ہو تو پھر حسن جو ہے وہ برکے میں نہیں رہتا حسن جو ہے وہ سر بازار آ جاتا ہے ان آنسوؤں میں بڑی حرارت ہے بڑی طاقت ہے اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا شان کریمہ نے چن لی
मोती समझ के चुन लिए शाने करीमी ने, गिरे वो आंसू जो मेरे हल्के इन्फ़ियाल के। अल्लाह आपके आंसुओं को सलामत रखे, आपके जज्बों को सलामत रखे। आप चले जाएंगे, जज्बे नहीं आपको मरने दें। हमारे